एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको पता ही होगा मैं कहाँ जा रही हूँ। नहीं पता हो ही नहीं सकता मैं क्यारा को लेने जा रही हूँ। पता होगा यार। तो अभी मैं जा रही हूँ क्यारा को लेने, और अब मेरी ना वीडियो मैंने इतनी सारी बना के रखी हुई है, बट अपलोड करना मेरे को बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा है। क्या करूँ बिल्कुल भी, और बल्कि वीडियो बनाने का टाइम फिर भी है, अपलोड करने का एडिटिंग करनी होती है ना उसके लिए, इसलिए बहुत सारी वीडियो है। एक व्लॉग बना के रखा हुआ है बट वो बनता ही नहीं है, एक कुकिंग का मोट का। चलो अभी चलते हैं क्यारा को लेने। इतनी गर्मी लग रही है ना जितनी है नहीं, बट हाँ है। बट अभी जो सुबह थी ना बहुत गर्मी थी जब मैं क्यारा को छोड़ने जा रही थी, तो पता नहीं क्यों हो रहा है अभी तक बारिश नहीं आई। बट आज रात को दिखा रहे हैं कि 45% चांसेस है बारिश होने के, तो शायद आ जाए। और सुबह 9 बजे भी है, क्यारा को स्कूल का पता नहीं छुट्टी हो सकती है, तो इसलिए अंकल देख रहे थे, गार्ड अंकल। कोई बात नहीं, वो रोज़ देखते हैं मुझे वीडियो बनाते हुए। मुझे ऐसा लगा मैं जल्दी आ गई क्या, 12 तो बज गए हो सकते हैं। मुझे ना एक चीज़ बतानी है आप लोगों को, मैं जो लिपस्टिक लगाती हूँ ना, बहुत लोग बोलते हैं मेरे को वीडियो में कि आप बताते नहीं हो। यार मैं 2-3 कलर मिक्स करके लगाती हूँ, बहुत प्यारा सा कलर बना लेती हूँ उसका। तो मैं उनका अगर आपको उन सबका लिपस्टिक का कलर पूछना है जो मैं मिक्स करके लगाती हूँ, तो मैं उसको ज़रूर बताऊँगी आपको कि कौन कौन सी मिक्स करके लगाती हूँ। आप भी कर सकते हो। बाय कर दो, चलो। क्या आइडिया आया? भूल गई मैं तो। भूल गई? चलो, मैम को अच्छा लगा कार्ड? हाँ। कौन सी मैम को? सोनाली मैम को या साक्षी? साक्षी मैम को। अरे वाह, फिर क्या हुआ? अभी याद आया क्या कहना था? क्या कहना था? हाँ, हैप्पी टीचर्स डे बोला। वेरी गुड। यार आज इतनी फिर भी नहीं है, है? गिर जाओगी। भागने का मतलब जल्दी स्पीड में चलते हैं, नहीं तो गिर जाओगे। ठीक है, चलो। मैं अभी क्यारा से बोल रही हूँ अम्ब्रेला लेकर आनी है। मैं जब बोल रही हूँ जब बिल्कुल गर्मी जाने वाली है। वैसे तो ठंड में भी धूप होती है बट उसमें मज़ा आता है। इसमें ना अभी आज ना ठंडी हवा है, अभी ठंडी हवा चल रही है, गर्मी बहुत है। और ना जब बहुत कड़ाके की जो चली गई ना गर्मी, वो जब मैं अम्ब्रेला नहीं लाई, है अम्ब्रेला तो ना वो एक तो बहुत ही बड़ी है, ठीक है, जो क्यारा नहीं कवर कर सकती, पकड़ नहीं सकती, और एक ही बहुत ही छोटी है जो देखी होगी आपने कभी ब्लॉग में, मेरे को मीडियम साइज़ की लेकर आनी है, तो क्यारा जो पकड़ सके। क्योंकि क्यारा मैं पकड़ती हूँ तो क्यारा के ऊपर नहीं आती, और मेरे को ज़रूरत नहीं है इतनी, मैं इतना सहन कर लूँगी, क्यारा को बहुत ज़रूरत होती है ना क्यारा। मेरा छोटा अम्ब्रेला पिंक वाला, वो बहुत ही छोटा हो जाता है फिर। चलो आ जाओ। आ गई आ गई आ गई, हाँ ना, यस। चलो चलो चलो, वेरी गुड। क्या रही, हाथ मत लगाए करो, कोई भी चीज हाथ हटाओ, बहुत ज्यादा गंदा। हैंड वॉश करा करो जल्दी से। ये देखो आ गई ना बारिश, मैं बोल रही थी 45% बारिश का पक्का बता रहे। और मैं क्यारा को लेने गई, और मैंने वीडियो बनाई अपनी यूट्यूब चैनल के लिए। यार वो तो मैंने ये भी बनाई रही हूँ,
बट ये बारिश भी आ गई और मैं जल्दी जल्दी वो वीडियो बना के आई हूँ, और आपको थोड़ा सा डाउट भी हो जाएगा ये क्यों क्या वीडियो बनाई है, मेकअप वीडियो है और मैं क्यारे के लिए मैगी बना रही हूँ और मेरा भी मन कर रहा है मैं भी खाऊंगी। क्यारे आ जाओ, दो मैगी बनाऊंगी मैं अपने लिए भी, क्यारे पता नहीं थोड़ा ही खाती है वैसे तो। डालो, क्यारे बहुत अच्छी मैगी बनाती है। यस कर लो, दोनों डाल दो एक साथ। वेरी गुड। ओतेरी, ये क्या होता है ओतेरी, क्या होता है, कहाँ से सीखी है? जब तक हमारी मैगी बन रही है जब तक हम बाहर जाते हैं, आ जाए कह रहा हूँ। ओ बेटे आवाज आ रही है, आवाज तेज हो गई, तेज हो गई, तेज हो गई। आज तो आनी ही थी बारिश। ये जो इतना सारा धनिया हो गया था ये कबूतरों ने खा लिया सारा। हम बाहर बैठेंगे अब, कह रहा बैठो यहाँ बैठो, मैं लेकर आ रही हूँ मैगी, ठीक है? ठीक है, अभी मैं भी आ रही हूँ। क्या मजा आने वाला है यार इसके साथ बारिश। मैं ना वो उसको पसंद तो करती हूँ शिमला मिर्च और प्याज वगैरह डाल के, बट अभी क्या अलग अलग बनाती है ना, इसलिए मैंने एक ही साथ बना दिया। क्यारा ठंडी होने देना, तो हाँ मैं यहाँ बैठूंगी, आप ये पकड़ो, ठीक है मैं आ रही हूँ यहाँ पे बैठूंगी मैं। बहुत सारी है वैसे मैगी, ये खाओ खाओ, मैं तो पकड़ के खा लूंगी कोई बात नहीं, ऐसे रखे यमी, चल खाओ। इतना गर्म बारिश का मजा लेते हुए मैगी खा रही है क्या रहा, तो पसीने इतने आ रहे हैं ना पूछो मत यार। एक्चुअली मैं मेहनत करी है बस, सब खाओ अभी गर्म है, रहने दो, मैं तो गर्म में खा सकती हूँ। प्लेन मैगी भी अच्छी लगती है कभी कभी। अब मैं ना खा के बात करती हूँ, ठीक है? गर्म में खा लूंगी ना। आपकी ठंडी नहीं हुई मैगी? मेरी तो खत्म भी होने वाली है। हम जा रहे नहाने, मैंने मेकअप बिल्कुल रिमूव कर दिया, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। मैं और मैं वो लेने नहीं जा रही क्या रहे के ऊपर चढ़ गई, मैं लेके नहीं जा रही मोबाइल, ठीक है? क्योंकि अच्छा नहीं लगता यार, ठीक है? लेके जा रही हूँ यार फ़ोन, और ना मैं ना ये थैली लेके जा रही हूँ, थैली में डाल दूँगी। चलो हाँ, कलर हाँ देख के हटा के कर लेना ना। क्या रहा, आ गई? चलो जा। सिक्स्थ पे है हमारा फ्लोर ना, ये वाले पे कुछ भी। चल क्या रहा, आराम से फिसल जाएंगे हम। इस वाले में चलेंगे आप? नहीं, झूले वाले में चलेंगे। ओ यहाँ पे गमले कहाँ गए इतने सारे थे? ओ चले गए क्या यहाँ के लोग? आओ हाथ पकड़ो, मैं लग जाओ तेरे दिल। ये क्या बैग बैग रखे हुए हैं, सब गए होंगे यहाँ से। कबाड़ा डाल दिया, हल्की हल्की आ रही है, आती रहेगी तो धीरे धीरे भी आती रहे ना तो भी ठीक है, ऐसा तो अच्छा लग रहा है।
चलो मैं फोन रख रही हूँ और थोड़ा सा जूम कम करती हूँ क्योंकि जूम था। कह रहा मत करो, आओ बैठेंगे, आओ आ जाओ। नहीं नहीं अपने आप आके बैठो, चलो तुमने बोला था मैंने। अब बोलो, अब सबके सामने बताओ। मम्मी मुझे ना स्पाइडरमैन बनना। नहीं अभी जो आप पूछ रहे थे मेरे से कि मम्मा मैं कब तक बन जाऊंगी स्पाइडरमैन, कब तक बन जाऊंगी मैं स्पाइडरमैन मम्मा। बेटा देख मैंने आपको यही बताया है, ये आप सब जब तक खाना दाल रोटी और अच्छे दूध वूध पानी अच्छा सा नहीं पियोगे ना, जब तक स्पाइडर नहीं बनोगे, मतलब स्पाइडरमैन नहीं बनोगे। पानी तो हम स्पाइडरमैन इसलिए धीरे धीरे बनते रहेंगे, जैसे जैसे आप खाते रहोगे वैसे वैसे आप बनते जाओगे। वो खाया था। हाँ। उसने जो खाया था जो जब आप क्यारा मेरे से अचानक से पूछने लगी कि मम्मा मैं स्पाइडरमैन कब तक बन जाऊंगी। मैंने कहा धीरे धीरे बन जाऊंगी जैसे जैसे खाती जाओगी। अच्छा अच्छा हद यार, बच्चों की और ये देखो मेरे दहेज तवार है। हम दोनों नहाकर आ गए बारिश में और ना क्यारा को मैंने सुला दिया, क्यारा को नहीं लाया पहले। बारिश में जब भी नहाओ ना नहाना जरूर चाहिए। अब फिर से दोबारा आएगी बारिश क्योंकि अभी ख़त्म नहीं हुई है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है, बहुत प्यारा। और मैंने अपने बाल ना ड्राई कर लिए, गीले हैं हल्के हल्के, ये देख सकते हो। मौसम जब चेंज होने लगता है ना आपके लिप्स उसी टाइम फटने लग जाते हैं। आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, कितने प्यारे लग रहे हैं। डिस्टर्ब कर दिया यार उसने, एक कबूतर ने। ओ वाओ कबूतरों को देखा कितने सुंदर लग रहे थे। एक्चुअली में वो पास से और सुंदर लग रहे हैं, मैं जो देख रही हूँ ना चले गए हैं वो यहाँ से, बट मैं उधर ही देखी जा रही हूँ पता नहीं क्यों। और ना मैं अब बनाने जा रही चाय और बहुत ज़्यादा वाला मन कर, ओ फिर आ गए, फिर आ गए, बहुत मन कर रहा है चाय पीने का तो मैं चाय बनाने जा रही हूँ। मेरी चाय बन के रेडी है, दिखाती हूँ। जब भी हम बाहर जाते हैं ना, बाहर इन द सेंस घूमने या कहीं कहीं बाहर, मतलब मनाली गोवा ऐसी जगह हम शिमला वगैरह जैसे हम घूमने गए हैं, तो वहाँ जाके ना चाय तो कहीं मिलती नहीं है अच्छी वाली, कहीं नहीं मिलती। मैं पता है क्या करती हूँ, यहाँ से पहले तो अगर मिल भी जाती है अच्छे होटल में जैसे रह रहे हैं, मिल जाती है कहीं कई बार मिल जाती है, तो वो ना इतनी महंगी होती है, 100-150 रुपए की एक चाय होती है, कम नहीं होती, 110, 100, 140 ऐसे मिलेगी, ठीक है। और अगर मैं सोचती हूँ हर राम इतने की जब चाय मिल रही है, इतने का तो मेरे 4 किलो दूध ना आ जाएगा। मैं पता है क्या करती हूँ, यहीं से अपने ही घर से वो लेके जाती हूँ अदरक, दूध वहीं मिल जाता है कहीं पर, नीचे शॉप मिल जाती है मुझे, मैं वहाँ से ले लेती हूँ। मॉल जैसे वो नहीं होता, अरे कैसे जनरल स्टोर होते हैं बहुत बड़े बड़े, जैसे मैं आपको लेके जाती हूँ, कितनी बार लेके जाती हूँ आपको, जहाँ पे मैं अपना घर का सामान लाती हूँ, ऐसी भी सारी जगह होता ही है, ऐसा तो नहीं है। वहाँ पे दूध मिल जाता है आसानी से और वहाँ से दूध लाती हूँ, चाय पत्ती चीनी कभी कभार मैं घर से भी ले जाती हूँ, और कभी कभार होटल में भी मिल जाती है, या अगर कम पड़ जाती है तो मैं बाहर से छोटे छोटे वाले पैकेट ले जाती हूँ, सबसे बेस्ट रहता है। और वो वाला जो केतली नहीं होती है, जो क्या बोलते हैं, रुक जाओ मेरे को बिल्कुल, अरे हाँ केटल, केटल जो होती है उसमें बनाती हूँ मैं, और वो वाली नहीं जैसे अभी बन रही है ना ऐसे वाली, दूध उसी के अंदर डाल के, वैसे नहीं बनाती, मेरे को पसंद नहीं है कि पानी में बॉयल्ड कर दो फिर पानी को डिप डिप करके, वो जो होती है ऐसे नहीं, अच्छी तरह अदरक कूट के
अच्छी तरह इलायची डाल के परफेक्ट, जो ये मैं यहाँ बनाती ना वैसे ही बनती है, बट थोड़ी क्वांटिटी कम बनती है और उसको उबाल के बाहर आ जाती है अगर ध्यान नहीं दोगे तो। मैं तो यही करती हूँ, मुझसे तो नहीं रह जाता अपने हाथ की चाय पिए बगैर। चाय मेरी लाइफ है। वैसे तो सब्जी की दुकान भी होती है बाहर, मिल जाती है मॉलों में मिल जाती है, अदरक और इलायची, बट मैं फिर भी रिस्क नहीं लेती, मैं ले जाती हूँ। अभी थोड़े 3-4 बार से मैं ऐसे कर रही हूँ, नहीं तो पहले तो चाय में मर जाते थे यार, इतनी सी क्वांटिटी और इतनी सी चाय देते हैं और इतनी महंगी, और अच्छी भी तो हो, मस्त वाली भी तो नहीं देते। इससे तो वो जो भैया नहीं बैठे होते वो बहुत अच्छी बनाते हैं, जो बाहर बैठे होते हैं उनकी चाय बहुत अच्छी होती है, होटल वाली कभी भी नहीं अच्छी चाय होती, इसलिए कॉफ़ी पी लो ज़्यादा से ज़्यादा। और कॉफ़ी पीने से मेरे को बिल्कुल भी मतलब ठीक लगती है, अच्छी लगती है कॉफ़ी, बट चाय से अच्छी नहीं। इस वजह से बेस्ट रहता है कभी भी कहीं जा रहे हो अपना टूर के लिए, अपने हस्बैंड या अपने किसी भी फैमिली के साथ जा रहे हो, तो भाई साहब अपने घर खुद बना लो, और अगर ज़्यादा लोग हों तो 2-3 बार बनानी पड़ेगी उस केटल में, पता है आपको, सबसे बेस्ट है, सब कुछ मिल जाता है बाहर, चाय ढंग की नहीं मिलती कहीं पर। एग्री हो ना तो ज़रूर बताना कमेंट करके। इस जैसी चाय कहीं नहीं मिलेगी, और गरम गरम कभी चाय नहीं पीनी चाहिए, इसलिए होंठ काले हो जाते हैं, आग लग जाती है बहुत तेज की हमारे लिप्स पे तो काले हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा गर्म ना पिए चाय प्लीज़। मैं बना रही हूँ साबूदाना, रात भर के लिए मैंने भिगो दिया था, और चलो देख लेते हैं रेसिपी उसकी। तेल ले लेंगे थोड़ा सा, जीरा डालूँगी हल्का सा, कड़ी पत्ता पहले डाल दूँगी थोड़ी सी, ब्राउन कर लेंगे थोड़ा सा मूंगफली को, ब्राउन हो गया, इसमें थोड़े से आलू ऐड कर रही हूँ मैं उबले हुए, अब मैं ऐड करूँगी साबूदाना, कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा नमक, मैंने निकाल लिया क्यारा के लिए, मैं थोड़ी सी हल्दी हरी मिर्च डाल दी हूँ और थोड़ी सी काली मिर्च, टेस्टी, खुश हो जाओ। Get the menu.